भाई क्या आपको पता है कि आपका चैनल जो है कब मोनेटाइज होता है? अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज ना हो, अगर आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करो और अगर आपका चैनल रिजेक्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप YouTube पर काम करते हो और अगर आपके भी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाचिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है और अगर आप अपने चैनल को रिव्यू के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो भाई उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ को चेक करना होता है। और अगर आप इस चीज को चेक नहीं करते हो तो भाई आगे चल के जब आप अपने चैनल को रिव्यू के लिए सेंड करोगे तो वहां पे जो है आपके चैनल को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आखिर चैनल मोनेटाइज कब होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर किस तरह के चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर चैनल मोनेटाइज कब होता है और कब आप अपने चैनल को जो है रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखो, जब आप अपने चैनल को क्रिएट करते हो तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने चैनल को क्रिएट करना होगा, और भाई उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको अपने चैनल पे जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन को क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। अगर आप अपने चैनल पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके नहीं रखे हो और जब आपके चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम अगर कंप्लीट हो जाएगा और जब आप अपने चैनल को जो है रिव्यू के लिए अप्लाई करोगे तो भाई वहां पर अगर आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं होगा तो भाई आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो रिव्यू के लिए। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने चैनल पे जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। और अब आपको क्या देखना है कि जो आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, क्या वह आपका पब्लिक वॉच टाइम है या फिर आपने गूगल एडसन के थ्रू वॉच टाइम को परचेस किए हो, या फिर आपके जो वॉच टाइम आपको जो मिला है वो आपके शॉर्ट वीडियो से है। तो भाई अगर आप गूगल एडसन के थ्रू वॉच टाइम को अगर आप परचेस किए हो, गेन किए हो, तो मेरे भाई वो वाला आपका वॉच टाइम जो है काउंट नहीं होगा। या फिर अगर आपके शॉर्ट वीडियो से जो है वॉच टाइम आपको मिला है तो वो भी जो है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो भाई घुमा फिरा के आपके चैनल पे जो है 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे का पब्लिक वॉचिंग टाइम होना चाहिए, और आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, और आपके चैनल पे जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन वहां पे जो है इनेबल होना चाहिए, तब जाकर आप अपने चैनल को जो है मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई यहां तक आप तो समझ गए होंगे कि अब आपका चैनल जो है कब मोनेटाइज होगा और मोनेटाइज के लिए आपको किस किस चीज को जो है ध्यान में रखना होता है। लेकिन भाई बहुत सारे भाई हमसे पूछते रहते हैं कि भाई किस तरह के चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होते हैं, तो यहां पे मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और जब आप अपने चैनल को जो है मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हो, तो भाई यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हो तो भाई जो यूट्यूब के टीम होते हैं वो करते क्या है कि आपके चैनल को जो है चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर आप अपने चैनल पर 500 वीडियो अपलोड करके रखे हो तो आपके 500 वीडियो को क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग करते क्या है कि आपके लेटेस्ट वीडियो को देखते हैं और आपके ओल्डेस्ट वीडियो को देखते हैं, और वे लोग आपके चैनल पे ये देखते हैं कि आखिर आपके चैनल पे जो है सबसे ज्यादा किस वीडियो पे जो है व्यूज आया है। वो लोग जो है उस वीडियो को चेक करते हैं, और उसके बाद में जो है ना कि आपके चैनल को थीम को चेक करते हैं, निश को चेक करते हैं कि आखिर आप अपने चैनल पे किस तरह के वीडियो जो है अपलोड करते हो, कहीं मिस कंटेंट तो नहीं है, या फिर आपके चैनल पे कुछ ऐसा मतलब जो होता है ना कि कुछ फालतू वीडियो तो है नहीं ना। और उसके बाद में जो है वे लोग जो है आपके मेटा डाटा को चेक करते हैं, यानी आपके टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को वे लोग चेक करते हैं। मेटा डाटा का मतलब यह हो गया कि आप जो अपने टाइटल को डाले हो, आप जो अपने थंबनेल डाले हो, तो आपका वीडियो के आपका जो वीडियो है उसके अंदर आप कुछ और चीज को एक्सप्लेन किए हो, लेकिन आपने जो टाइटल डाले हो, आपने जो थंबनेल डाले हो, उसमें कुछ और टेक्स्ट को ऐड कर रखे हो, या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जो है वीडियो में कुछ और बतलाए हो और आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे टैग डाल दिए हो, बहुत सारे आप ऐसा कीवर्ड्स डाल दिए हो और उसमें जो है ना कि वीडियो में कुछ और चीज बतलाया गया है और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टैग्स लगा के रखे हो या अपने टैग के अंदर जो आप कीवर्ड्स को डाल के रखे हो वो जो है कुछ दूसरा चीज डाला हुआ है, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन के
अंदर आप 5-10 आपको जो है टैग या आपको जो है कीवर्ड्स को डालना होता है, लेकिन आप जो है वहां पे आप बहुत सारे जो है आप टैग्स को डाल रखे हो, आप बहुत सारे कीवर्ड्स को डाल रखे हो। तो भाई अगर इस तरह के अगर आपके चैनल पे अगर आप भी अपने वीडियो के अंदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो भाई इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपके चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यूट्यूब की ओर से मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। और भाई यहाँ पे एक चीज मैं और आपको इसमें बता दूं कि अगर आप अपने चैनल पे जो है किसी दूसरे इंसान का जो है वीडियो को या फिर उनके ऑडियो को या फिर वीडियो को जो है आप किसी और चैनल से या किसी और इंसान के अगर आप डाउनलोड करके और क्या करते हो कि आप लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो भाई इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होंगे, क्योंकि आपके चैनल पे जो है रीयूज कंटेंट का जो है वो लोग वहां पे जो है ये कर देंगे, क्योंकि आपने अपने चैनल पे रीयूज कंटेंट अपलोड किया है। तो भाई रीयूज का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी जो है वो वीडियो कोई और इंसान अपने चैनल पर डाल रखा है, वहां से अगर आप उस चीज को डाउनलोड करोगे तो ऑलरेडी जो है वो वीडियो यूट्यूब के सर्वर पे होगा, और अगर आप उसी चीज को अपने चैनल पे डालोगे तो भाई होगा क्या कि यूट्यूब जो है आपको रीयूज का एक मुहर लगा देगा, और भाई उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके वीडियो पे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगा, जो भाई का वीडियो है वो आपके कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं। तो भाई ये चीज है आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो तो भाई आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। और हाँ, अगर आप किसी दूसरे इंसान के वीडियो को पिक करते हो, उठाते हो, डाउनलोड करते हो, और अगर आप उसके ओरिजिनल वॉइस को म्यूट करके अगर आप उसमें जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हो, अपने आवाज को डालते हो और उसमें वॉइस ओवर करके अपने चैनल पे जो है वीडियो बना के अपलोड करते हो, तो भाई उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भाई अब आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी वीडियो को जो है डाउनलोड करके और अगर आप वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते हो भाई, तो आपको जो है क्रिएटिविटी उसके अंदर आपको दिखाना होगा, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना होगा, तब जाके आपका चैनल जो है मोनेटाइज होंगे। आई होप जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो या कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे मेरा आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं क्विकली रिस्पॉन्स दूंगा।